भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन रविवार को गुलाब बाग सिगरा स्थित भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुआ। प्रारंभ में उद्घाटन सत्र के मुख्य वक्ता क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय तथा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शोभनाथ मौर्या ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात वंदे मातरम गीत रत्ना वर्मा तथा सुषमा मौर्या ने प्रस्तुत किया। उद्घाटन सत्र में भाजपा का इतिहास एवं विकास पर प्रकाश डालते हुए काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि दो सांसदों से जनसंघ के रूप में अपना सफर शुरू करने वाली भाजपा वट वृक्ष आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फल फूल रही है। महेश चंद्र श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण वर्ग की उपयोगिता पर विचार प्रकट किया कि जैसे कोई खिलाड़ी नित्य अभ्यास करता है क्योंकि उसे ओलंपिक में पदक जीतना है, बिना अभ्यास के पदक नहीं जीत सकता। जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है, बहता जल निर्मल होता है, उसी तरह प्रशिक्षण भी कार्यकर्ताओं के लिए अति आवश्यक है। हम प्रशिक्षण सत्र आयोजित इसलिए करते हैं कि कार्यकर्ता अपने दायित्व का बोध करें और चरित्र का निर्माण करें, जिससे एक अच्छे कार्यकर्ता का निर्माण हो सके। इस प्रशिक्षण सत्र की बहुत ही महत्व है। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अश्विनी सिंह पटेल, क्षेत्रीय महामंत्री संतोष पटेल, भाजपा महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के महानगर अध्यक्ष शोभनाथ मौर्या, अनूप जायसवाल, मिठाई लाल यादव, राजेश मौर्या, प्रवीण सिंह कुशवाहा, सत्यप्रकाश आर्य, शिवशंकर यादव, श्रवण गुप्ता, शंभू पटेल, शरद वर्मा, महेंद्र सिंह झगड़ू, कन्हैया सेठ, राजन मांझी आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी में आज इतना विशाल परिवार खड़ा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो 56 लाख कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में हैं। उनको प्रशिक्षित करना, उनके व्यक्तित्व का विकास करना, उसको नित नए आयाम के लिए जागृत करना, भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण का काम चलता रहता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का व्यक्तित्व विकास, रचनात्मक विकास और माँ भारती के लिए समर्पित होने का विकास के लिए प्रशिक्षण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। हमारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ, देश के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हुआ, अब जिले के प्रशिक्षण का काम आज यहाँ पर OBC मोर्चे का चल रहा था। प्रशिक्षण आए हुए सभी प्रशिक्षार्थियों को मैं शुभकामना देता हूँ कि आप आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश सेवा में लगे हुए हैं और माँ भारती के विश्व में माँ भारती को विश्व गुरु बनाने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। ये कब तक चलेगा? आज पाँच सत्र का ये एक दिवसीय प्रशिक्षण।